वैसा आपका सामान कहाँ है? मैं गाड़ी में रखवा देता हूँ, बस 20 रुपए दे देना। काका नहीं, आवश्यकता नहीं है इसकी। अभी काका बोल दिया है तो चलो 10 ही रुपया दे दो। एक बात बताओ काका, इतनी उम्र हो गई है, आराम करने के समय में इतना मेहनत का काम कर रहे हो। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, मान से 2 वक्त की रोटी कमा लेना ठीक होता है। बच्चों को बड़ा करने में उम्र चली गई, अब इस उम्र में किस पर बोझ बनना नहीं चाहता। काम भी कैसा होता है, मेहनत और ईमानदार से काम करने में कोई शर्म नहीं। सामान 100% सच्ची बात है तुम्हारी। सामान जवा दो, ये लो 20 रुपया। हाँ बेटा, मेहनत किए बगैर पैसा लेना हराम है मेरे लिए। अरे ले लो आज रात की रोटली मेरे नाम। हेलो काका, ने सामान भी देता हूँ, ये ही सामान बचा है मेरे पास, इनको गाड़ी में छोड़ दो। ठीक है, आओ बेटी। चलो धन्यवाद धन्यवाद, भगवान तुम्हारा भला कर। आपको बेचैनी हो रही है तो मैं भाई से कह दूं और आपको खिड़की के पास बैठने दे देंगे। क्यों? मैं छोटा बच्चा हूँ, जो परेशानी होगी मुझे? नहीं मालिक, बस आपके चेहरे की बेचैनी को देखकर काम है। बरोबर से बदू चलवा दे। काय भाव, कसं काय? बरं आहे ना? बर बरं बरं, कुठं चाललात? दादरला का मुंबई सेंटरला? दादरला चाललो लग्नाला। तून घटको बघायचं कोणाच्या लग्नाला चालला? मालिक मुंबई जा रहे ये डफोड, अक्की ट्रेन मुंबई जा रही है ना, तो सब मुंबई जाएंगे ना। नहीं नहीं मालिक, मैं कह रही थी कि इनकी भाषा को सुन के लगता है कि ये लोग मुंबई के। आप इनसे पूछिए ना मुंबई के बारे में। ऐसा पूछूं? कथा काय भाऊ? हाँ बराई की। कुठे चालला आहे तुम्ही? मी आपण मुंबईलाच चाललोय, बऱ्याच दिवसांनी मुंबईला चाललोय। मुंबईला आता बदलून गेलीय बघा, पूर्वीसारखी राहिलेली नाहीये। आता तर लय महागाई वाढलीय बघा। मालिक उन्होंने क्या कहा मुंबई के बारे में? मुझे क्या पता, एक शब्द समझ में नहीं आया, सब सर के ऊपर से गया। पर आप तो बात कर रहे थे ना उनसे। हाँ तो तूने बोला ना पूछने को, मतलब मैंने पूछा, वो मराठी में बोला ना तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। पर मुंबई में ऐसा कैसे चलेगा? अरे चलेगा नहीं गांडी, दौड़ेगा दौड़ेगा। ये उन्हें चिंता क्यों करती है? क्या विचार रही है? मोड़ा क्यों उतर गया तेरा? मैं त्रिवेणी के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं वो कैसी होगी, क्या करी होगी इस वक्त।